तो आप लोग भी डेफिनेटली एक ऐसा स्टॉक ढूंढ रहे होंगे जिसमें ये डीआई की पहली पसंद हो, मतलब डीआई का काफी अच्छा पैसा लगा हो, तो ये स्टॉक हो सकता है। ठीक है, पहले भी स्टॉक आपको सजेस्ट किया था 205 210 रुपए के प्राइस में, बोला था यू कैन बाय। ठीक है, एक मल्टीयर सपोर्ट है 180 190 के आसपास, बिल्कुल एग्जैक्टली से सपोर्ट लिया, और 220 221 में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रखा है द वैनगार्ड फंड। ठीक है, जिसने यस बैंक को बाय किया 13 रुपए के भाव में, राइट। तो उसी ने स्टॉक में बहुत अच्छा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है ऑलमोस्ट 220 और 221 के भाव में। ठीक है, और आप पढ़ सकते हो आरओसी इसका 22% है, नेट प्रॉफिट 374 करोड़ का है। डीआई शेयर की जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब आप उससे स्टेक है 35% के आसपास का है, और कंपनी ने बोनस भी दिया था पास्ट में। ठीक है, और पर्सनली अभी मैं स्टॉक को होल्ड नहीं करता हूँ, मैंने शॉर्ट टर्म गेन के लिए बाय किया था, मैं एग्जिट कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आपके पास स्टॉक है तो डेफिनेटली एक प्राइस देखो, थोड़ा समझो मार्केट अभी कहाँ ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो देखो मार्केट जहाँ ट्रेड करी, मैं आपको डराऊंगा नहीं, ठीक है, मार्केट में चलता रहता है। अब थोड़ा बात को समझो, बहुत लंबे समय के बाद इसने यहाँ ब्रेकआउट करने वाला है, पॉसिबिलिटीज है कल बहुत तगड़ा वाला मार्केट में एक पंप दिखे, पंप मतलब समझ तो जंप दिखे। ठीक है, जो मार्केट को ऑल टाइम में क्लोज कर देगा, कल तो हो ही जाएगी ऑलमोस्ट। ठीक है, आई थिंक हो चुकी है क्या, आई थिंक अभी हुई नहीं है, हो जाएगी। ठीक है, तो अगर होती है तो प्राइस अब समझो थोड़ा क्या है, अब यहाँ पर नए बकरे फंसाए जाएंगे। देखो थोड़ा समझो, एक साल तक कोई रिटर्न नहीं कमा के दिए मार्केट ने, यहाँ लोगों को पहले फंसाया गया है। ठीक है, ध्यान से सुनना, यहाँ पैसा लोगों को खराब खराब किया गया है। अब दोबारा मार्केट ऑल टाइम हाई में जाएगी, और ज्यादा ज्यादा ही समझो, ज्यादा बड़ा ही पंप यहाँ से नहीं दिखेगा, जंप नहीं दिखेगा। ठीक है, इट कुड बी 1000 पॉइंट या 500 पॉइंट बस, और वहां से रिवर्स कर जाएगी। ठीक है, फिर लोगों को, नए बकरों को फंसाया जाएगा, मुर्गों को फंसाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिटेल आप समझ सकते हो, ये तभी आता है, मैं आपको समझा रहा हूँ रिटेल कब आता है। रिटेल स्टॉक को यहाँ बाय नहीं करता जब नीचे गिरा होता है, तब बाय करता है जब ऑल टाइम हाई होता है। ठीक है, उसको न्यूज ही तभी मिलती है, भैया ऑल टाइम हाई आ गया, मार्केट 18,000 से 25,000 जाएगा, पकड़ लो। ठीक है, समझ गए, ऐसा ऐसी ऐसी खबरें आती है। तो यहाँ आपको दिमाग से प्ले करना, ना कि सेंटिमेंट को देख के भैया बाय करो बाय करो, ऐसा कुछ नहीं प्ले करना। ठीक है, सेंटीमेंट अभी देखो मुझे पता है, थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जाएगी, रिवर्स मार्केट नीचे गिर जाएगी 101%। तो जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई हो, कहीं भी हो, मार्केट इवन साइडवेज भी हो, आपको हमेशा अपने रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को रिस्पेक्ट करना है, उसको ही फॉलो करना है। ठीक है, आपको एक स्टेबल प्लान बनाना है, एक डिसिप्लिन, एक रूल बनाना है, उसी को आपको फॉलो करना, मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, अप ट्रेंड में हो, साइडवेज में हो, आपको उस रूल के ऊपर, ये समझ लो भैया भैया, बस इसी रूल के सहारे आपको जिंदगी काटनी है, जो रूल्स आप बनाओगे। ठीक है, मार्केट में अगर उसको आपने इधर से उधर किया तो भैया स्थिति बदल सकती है। ठीक है, तो यही मैं कहूंगा, नहीं नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है अभी। ठीक है, जितना हो सके प्रॉफिट बुकिंग करनी है हर लेवल्स में। अगर आपके पास अच्छे प्राइस में कुछ स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, आपके टारगेट अचीव हो चुके हैं, आपके मन में एक था कि यार मुझे ना अगर इतना रिटर्न आ जाएगी 20% तो मैं एग्जिट कर दूंगा, तो भाई एग्जिट कर दो, सोचो मत, कर दो। ठीक है, मार्केट दोबारा अपॉर्चुनिटी देगी, जो लोगों को लगता है मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं देती, ये उन लोगों को लगता है जो सिर्फ लिमिटेड स्टॉक की एनालिसिस करते हैं, सिर्फ निफ्टी 50 के 5 या 10 स्टॉक्स देखते हैं। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे स्टॉक है, ठीक है, बहुत सारे स्टॉक है, कुछ कुछ स्टॉक तो महीने 2 महीने में ही डबल हो जाते हैं, लेकिन उनकी एनालिसिस करनी पड़ती है। हर कोई स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में नहीं होने वाला, ठीक है, क्या पता 10 में से 1 तो हो जाए, अगर आप एनालिसिस तरीके से करोगे, टाइम इन्वेस्ट करोगे स्क्रीन में, ठीक है, एनालिसिस बताने में, ठीक है, तभी आपको मिलेगा, तभी नहीं मिलेगा, राइट। तो ये जो स्टॉक था 205 में एग्जैक्टली से सपोर्ट लिया, ठीक है, 205 10 के आसपास, मैंने खुद बोला था आपको बाय करो, वहां से एक डिसेंट 13-14% स्टॉक पे आ रहा है। ठीक है, ये स्टॉक अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन ठीक है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन अगर मैं यही रिकमेंड करूंगा, अगर स्टॉक आपको दोबारा 180 मिलता है, तो 180 छोड़ना मत, पक्का बाय करना, ये इसका ऑल टाइम सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ सपोर्ट पक्का स्टॉक लेगा। यहाँ पर आप देखिए आरओसी इसका पॉजिटिव है 21%। ठीक है, साथ में आप लोग देखिए यहाँ पर डेट फ्री है ऑलमोस्ट, कंपनी ज्यादा मत कर्जा भी नहीं है, प्रॉफिटेबल बिजनेस में है। ठीक है, अच्छे खासे प्रॉफिट आ रहे हैं, यहाँ देखो आप ईयरली प्रॉफिट ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, और बैलेंस शीट भी आप देखो, रिजर्व भी ग्रो हो रहे हैं, डेट कंपनी का 1900 करोड़ का है, राइट, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है, सिक्योरिटी पैटर्न देखो आप, प्रमोटर्स की होल्डिंग 51% है, एटीआई की होल्डिंग देखो 34% है। ठीक है, 34% डीआई की होल्डिंग है, काफी बड़ा नंबर है डीआई की होल्डिंग, तो यही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, छोटे बड़े म्यूचुअल फंड सबने स्टॉक को पकड़ के बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर आपको पकड़ना है स्टॉक को तो 180 से लेके 200 की रेंज सबसे अच्छी रहेगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। हाँ, ट्रेडिंग के लिए चाहिए तो उसके लिए तो भैया सेटअप बनाओ। ठीक है, जो रिसर्च मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उनको देखो, ऑब्जर्व करो कि वो हमारे सेटअप में बैठ रहा तो बाय करो। जो प्राइवेट क्लास अभी तक मैंने लिए, मैंने आपको बहुत सारे सेटअप बताए, उनमें से कोई जो सेटअप अच्छा लगता है आपको उसको फिट करो, उसको ऑब्जर्व करो, उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करो और बाय करो। ठीक
ठीक है, ऐसा नहीं है कल आपकी आंखें खुली और आपको दिख रहा कि केनार कंस्ट्रक्शन ऊपर भाग रहा है, उसको पकड़ लिया, ऐसे काम नहीं होता है। आपको प्रॉपर एक प्लान बनाना पड़ेगा, सेटअप बनाना पड़ेगा, प्लान मतलब प्रॉपर एनालिसिस करनी पड़ेगी, प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी। हाँ कि भाई पास मैंने 10 ट्रेड लिए, 10 में से मेरे 3 ट्रेड अच्छे गए, 7 ट्रेड में स्टॉप लॉस हुआ, ये सब ऑब्जर्वेशन और लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक प्रॉपर प्लान बनेगा, रेडी होगा, रेडीमेड प्लान होगा कि हाँ भाई जब भी ये सेटअप बनेगा मैं बाय और सेल करूंगा। एग्जाम्पल तौर में आपको एक प्लान मैं अभी के अभी बता सकता हूँ क्या है, बहुत सिंपल सा प्लान है, देखो क्या है। तो प्लान देखो दोस्तों, ये आज तक मैंने स्ट्रेटजी के साथ शेयर नहीं करी, ये भी अच्छा पैटर्न है। ठीक है, पैटर्न क्या कहता है कि जब भी 5 मिनट का जो फर्स्ट ब्रेकआउट होगा, ठीक है, 5 मिनट का आपको कैंडल पकड़ना है, इसका नीचे का आपको वॉल्यूम देखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर 5 SMA लगा रखा है वॉल्यूम के ऊपर, और यहाँ भी लगा रखा है, तो SMA वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है, नीचे इसको चाहो तो हटा सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट कैंडल बनेगा उसका कलर देखना है, ठीक है, और नीचे वॉल्यूम का कलर देखना है। अगर दोनों कलर सेम आ रहा है तो आपकी स्ट्रेटजी तैयार हो गई है, आप इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। और ये रिवर्स ट्रेड में भी काम करता है, अब आप खुद देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक दो बार स्टॉप लॉस होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझो बात को, यहाँ बाय एक्टिवेट हुआ, जब भी आपका हरा कैंडल दिखे, दोनों तरफ हरे दिखे, तो आपको बाय करना है, सेल नहीं करना, आपको बाय करना उस दिन। तो मैंने बाय किया, ये मेरा स्टॉप लॉस था। ठीक है, तो मेरा देखो यहाँ बाय एक्टिवेट हुआ, मेरा यहाँ इस कैंडल में स्टॉप लॉस हो गया। उसके बाद क्या करना समझो आप, इसी कैंडल के लो में आपको यहाँ सेल सेल कर देना है, सेम क्वांटिटी जो आपने यहाँ बाय करी थी। उसके बाद आपका जो लॉस हुआ था इंटरडे में वो यहाँ रिकवर हो गया, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रेड। तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल आ गए। ठीक है, ये आ गया एक दिन कि आप कॉस्ट टू कॉस्ट में आ गए, और दिन ढूंढो ये सब चीजें। ठीक है, आपको दिखेगा कि बहुत बड़े पैटर्न काम कर रहा है। देखो एग्जाम्पल तौर में यहाँ देखो, यहाँ बाय एक्टिवेट हुआ, ठीक है, ये स्टॉप लॉस था, ठीक है, सेम कैंडल बना, यहाँ देखो स्टॉप लॉस हुआ, ठीक है, यहाँ स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ पे शॉर्ट मार दिया, और देखो अगले दिन यहाँ जाके आपका प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ पर आप CNC में अच्छा खासा बना सकते थे, नहीं बना सकते था, आई नो, क्योंकि CNC में आपको पता है आई मीन कैश इन कैरी तो नहीं कर सकते, शॉर्ट मारोगे तो MIS स्क्वायर ऊपर ना बढ़ता है, तो फ्यूचर शॉर्ट मारो या कॉल पुट करो, आप कुछ मत करो, आप सेम क्वांटिटी से कट से काम करो। अगर आप 20 बाय करी तो यहाँ 20 ही शॉर्ट मारो और 3 20 पे कवर कर लो, ठीक है, 3 20 पे कवर कर लो, फिर दोबारा से 3 20 में ही सेम क्वांटिटी शॉर्ट मार दो, मतलब जो कल का क्लोजिंग प्राइस था ना उसी प्राइस पे शॉर्ट मार दो सेम क्वांटिटी। उसके बाद वेट करो अपने नीचे वाले टारगेट के लिए, तो आपके पास सेम क्वांटिटी रहेगी, सेम स्टॉप लॉस रहेगा, और नीचे वाला टारगेट जैसे आएगा एग्जिट कर दो। तो कल लास्ट डे प्रॉफिट हो गया, आज आज के दिन प्रॉफिट हो गया और आप बराबर में आ गए। ठीक है, अगर आपके पास लगता है कि भैया मैं कॉल पुट शॉर्ट नहीं मार सकता, इतना पैसा नहीं है, तो ये तरीका दिमाग लगाओ, बेसिक तरीका, ठीक है, लेकिन लोग नहीं लगाना चाहते बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ देखो दोबारा वही हुआ, ये हमारा स्टॉप लॉस हुआ, बाय एक्टिवेट हुआ, यहाँ स्टॉप लॉस हुआ, हमारा 1:1 आ गया जो हमारा स्टॉप लॉस हुआ। देखो यहाँ भी सेम हुआ, अब देखो इस कैंडल का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, चाहो तो आप छोड़ सकते हो। ठीक है, आप देखो देख सकते हो मोर देन 2% 3% का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, छोड़ दो स्टॉप लॉस, अगर बड़ा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा लग रहा है ना छोड़ दो, अगर 1% के ऊपर या 1.5% के ऊपर का स्टॉप लॉस छोड़ दो, स्टॉप लॉस अगर छोटा है तो चलेगा। ठीक है, वो सब आप जब प्रैक्टिस करोगे तो दिख जाएगा रिजल्ट आपको। ठीक है, तो जिसमें लगे आपको स्टॉप लॉस छोटा है बड़ा है आप छोड़ दो, मतलब बड़ा स्टॉप लॉस लगे छोड़ दो, तो ये है सिंपल सा पैटर्न। ठीक है, चाहो तो उसको आप प्रैक्टिस करो, काम अच्छा करता है, बस वही आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो समाप्त करता हूँ, आपके सामने एक नया पैटर्न आपको बता दिया, इसके ऊपर आप काम करिए, अगर अच्छा काम करता है तो नीचे कॉमेंट करना। इसका अगर आपको एल्गो चाहिए या फिर इसका चार्टिंग चाहिए तो मैं भी डेफिनेटली लेके आ जाऊंगा, उनके लेके आऊंगा जो रेगुलर वीडियोज देखते हैं और शेयर करते हैं। ठीक है, तो उसको नजरों में रखो, केनार कंस्ट्रक्शन को 172, 180 और 90 मिलता तो यू कैन बाय, और अभी के प्राइस में प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर लो, यही बोलूंगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक यू, गुड नाइट।